नहीं मिला। अपना नेतागिरी बाद में कर। अरे बीजेपी का ये कार्यकर्ता तो भाई साहब चकपका उठा के देखो देखो, स्मृति रानी जी ने हमको फटका दिया, हमको कहा नेतागिरी ना झाड़ो बाद में झाड़ना, और बकायदा बसा भी देखो अधिकारी साहब के आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन भाई साहब जनता खिलखिला उठेगी देखो देखो। बकायदा नेता हो तो ऐसा हो, मंत्री हो तो ऐसी हो, सांसद हो तो ऐसी हो, स्मृति रानी जैसा भैया कोई नहीं, कहा बताए, सबकी आंखें नम हो गई थी। पिछले 33 वर्षों से भाई साहब लगातार यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनाती है, ग्रामीण बड़ा परेशान थे। पहले तो भाई साहब प्रशासन स्मृति रानी जी से मुलाकात करने नहीं दे रहा था, बाद में किसी तरह से नारेबाजी की गई तो बकायदा मुलाकात हुई। अब स्मृति रानी जी भाई साहब तत्काल समस्या सुनी तो निर्देश दे दिए, बकायदा अधिकारी साहब के आगे हाथ जोड़ा कि देखो देखो तुम्हारे जैसे अधिकारी से मुलाकात करने के बाद कलेजा तृप्त हो गया, तुम्हारे जैसे 3-4 अधिकारी और हो जाए तो कहा बताएं। फिलहाल भाई साहब DM से लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि साफ सफाई करवाई जाए, नहर की जो समस्या उसको दूर की जाए, जो सैकड़ों बीघा फसलें डूबी हैं उसका समाधान निकाला जाए और बकायदा मरम्मत की जाए। कहा बोली है खुद सुन लो। हम लोग हर वर्ष यही करते हैं, किसी को सांप काट लेता है, किसी को बिच्छू मार देती है, ये करेंगे अपने आप कर रहे हम लोग, क्या करें खाने नहीं, अब यही करेंगे, इनका काम है साफ कराइए पहले नहर अभी जी, और ये साफ करने का कितना समय दूं आपको बताइए साहब। अभी तो पानी में मैम नहीं हो पाएगा काम, लेकिन ये कैसे कर रहे थे पानी जब पानी में मुझे बताइए ये कैसे कर रहे थे जब मुझे ये बताइए ये कैसे कर रहे थे पानी साफ, इनको साफ काट जाए चलेगा नहीं, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन देने के बाद भी बीमा हम लोगों को पिछले वर्ष नहीं मिला, नहीं अपना नेतागिरी बाद में करना, बीमा नहीं मिला। अभी गांव के लिए स्पेशल 19 में मिला था, तो भैया देखा कि नहीं देखा आपने कि कैसे स्मृति रानी जी मौके पर पहुंची, गांव का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, अधिकारी से लेकर भाई साहब बड़े बड़े अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश दे दिए, तत्काल भाई साहब कहता कि जाओ जाकर सफाई करवाओ, इनको सांप काटेगा तो चलेगा का, फिलहाल भाई साहब कुछ भी कहिए, निर्देश तो दे दिए हैं और बाकायदा आदेश भी दे दिए हैं। अब सफाई कब से चालू होगी, मरम्मत कब से होगा, तत्काल निर्देश का भाई साहब कार्यक्रम कब से शुरू होगा भगवान जाने, पर बायस का चुनाव सर पर है तो आजकल भाई साहब दौरा काफी ज्यादा लगा रहता है। पर भाई साहब आपको बता दें कि मामला कहीं और का नहीं था, अमेठी जिले के बस अब ठीक मुख्यालय गौरीगंज का था, पर फिलहाल बस अमेठी के लिए फिर इंक्वायरी की बात, वीडियो ऐसी लगी हो शेयर करना कदम भूलिएगा, सभी दमदार खबर मिलती रहेंगे आपको।